अंतर श्रेणी का जो यमनों पद होता है बेटा, समांतर श्रेणी का यमनों पद ध्यान रखना कि एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक, इसमें ये ध्यान रखना कि ए बराबर होता है तुम्हारा प्रथम पद, डी बराबर होता है तुम्हारा सार्वांतर, एन बराबर होता है पदों की संख्या। अब देखो इसमें टी एन बराबर क्या होता है, तो ये नवा पद हो गया। क्या वो ये नवा पद। अब देखो बात यहाँ से आती है कि इससे कितने प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इसमें सदा ध्यान रखना कि ए हमसे पूछ सकता है या तो एन, डी पूछ सकता है या एन पूछ सकता है या टी एन पूछ सकता है। अब समझ में आया, चार प्रकार से इससे क्वेश्चन बनते बन सकते हैं। अब देखो अगर तुमसे लिख लो, लिखना अब इसके बाद क्या, अब देखो तुम्हें श्रेणी दी जाए 5, 7, 9, 11 डॉट डॉट, समांतर श्रेणी है। ठीक, और कही दे 35 समापद क्या होगा, अब क्या करोगे सीधे फार्मूला लगा दो, बड़ा बेसिक सा फार्मूला है तुम्हारा 335 इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और ए प्लस एन यानी इसको टी एन बना सकते हो डायरेक्ट। अब ए का मान क्या है, तो 5 और एन का मान 35 माइनस वन इंटू डी, डी का मान कितना है, तो डी निकालोगे तो डी हो जाएगा कितना 7 माइनस 5 इक्वल टू 2, तो 2 मान चलाया, तो देखो 5 ये हो गया और ये 34 बचेगा इंटू 2, तो ये आ जाएगा कितना 5 प्लस 68 आएगा, ये आ जाएगा कितना 8 11 73 कितना आंसर। अब देखो इसके बाद क्या होता है कि अगर तुम्हारे पास कह दिया जाए इसका 75 पद कौन सा होगा, 75वां पद, 75 कौन सा पद होगा, कह दे कौन सा पद पचहत्तर होगा, उसी का सवाल है इसी का। ठीक है, ठीक है, अब जब 75 पूछ ले तो इसने देखो दिया क्या, टी एन बराबर तुम्हें दे दिया, टी एन बराबर 75 दे दिया। अब उसने पूछा कौन सा पद होगा, टी एन बराबर पूछा उसने, अब देखो टी एन बराबर पूछा तो हमने टी एन बराबर फार्मूला लगाया, ए ए का मान कितना था 5 था और ये माइनस 1 इंटू डी का मान, इसको इधर ले जाओ तो कितना बचेगा 70 बराबर एन माइनस 1 इंटू, इससे डायरेक्ट भाग दे दो कितना हो जाएगा 35। अब देखो एन माइनस 1 इक्वल टू 35 है, तो एन बराबर कितना हो जाएगा 35 प्लस 1 यानी 36वां पद जो होगा वो क्या होगा 75 होगा। ठीक, इसके बाद इसी प्रकार से एक क्वेश्चन बनाता है कि इसका सार्वांतर क्या होगा, तो सार्वांतर निकालने के लिए अगर डायरेक्ट हमारे पास दे दिया जाए किसी श्रेणी के पदों का परवाना यानी अनवा पद किसी श्रेणी का दे दिया जाए और तुम्हें प्रथम पद दे दिया जाए और उसका क्या पूछना है सार्वांतर, और अनवा पद मतलब कोई भी पद अनवा की जगह एन की जगह कुछ भी हो सकता है, तो इसके लिए क्या करेंगे सदा ध्यान रखना कि यदि ए बराबर दे दिया जाए तुम्हारे पास 5, एन बराबर दे दिया जाए 10, टी एन बराबर दे दिया जाए कितना, टी एन बराबर हो जाए कितना 75। अब उसने पूछा सार्वांतर बताओ, तब क्या करूँ, किसके लिए वही फार्मूला है, फार्मूला एक अपनी क्वेश्चन कितने टी एन बराबर टी एन है, टी एन तुम्हें दिया, टी एन बराबर होता है हमारा फार्मूला ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए कितना है 5, एन कितना हो गया 9 और डी कितना हो गया 70 बचा, बराबर क्या हो जाएगा 9 इंटू डी, 9 को भाग दे दो 70/9 आंसर आ गया। अब कंफर्म हुआ, इससे एक सवाल ऐसे पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है कि अगर
सर्वांतर दो दिया है, Tm बराबर दिया है 68, n बराबर T5 बराबर 5 दिया है n बराबर। अब क्या पूछा जाएगा इसे प्रथम पद क्या होगा, इसको लगा दीजिए।